पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मोकामा के हाथीदह थानाध्यक्ष पद संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां गश्ती का क्रम बढ़ाया गया तो वहीं नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की कवायद भी नए थानाध्यक्ष दिनेश कुमार द्वारा तेज कर दिया गया है। अपने टीम के साथ लगातार गश्ती कर रहे थानेदार, शराब तस्कर हो या गांजा तस्कर, सब पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रही है। इसी क्रम में वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर बीती रात NDPS अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथीदह थाना को मिली, जब सूचना मिली कि गांजे का 2 पैकेट झाड़ी में तस्करों ने छिपा रखा है और इस जगह से गांजे की तस्करी होती है। आपको बता दें कि हाथीदह स्टेशन के सामने दुखारण बाबा मंदिर के पास एक झाड़ी में छुपाकर रखे गए गांजे के खेप को थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार और सब इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार ने जब्त कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में गांजे की खेप हमने जब्त की है, परंतु तस्कर पुलिस की सक्रियता देख गांजा को छोड़ झाड़ी में छुपाकर फरार हो गए थे। गांजे की खेप पकड़ी गई। कल जो है विशेष NDPS के तहत विशेष छापेमारी अभियान था, तो हम लोग उसी में निकले हुए थे वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में। तो गुप्त सूचना मिली जमावसा के पास, हमारे पदाधिकारी मधुरेंद्र कुमार थे SI। गुप्त सूचना मिली कि हाथीदह बेगूसराय रेलखंड के बगल में दुखारण स्थान के पास झाड़ी में कहीं छिपाकर गांजा तस्करी के लिए कुछ गांजा रखा हुआ। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में वहां जब गए तो आसपास कोई व्यक्ति तो नजर नहीं आया, लेकिन झाड़ी में एक झोला रखा हुआ था, सफेद झोला, जिसको चेक किया गया तो उसमें 2 पैकेट टेप मारा हुआ मिला। उसको तस्कर कोई नहीं, कोई तस्कर नहीं। मोकामा से रविशंकर अमित की रिपोर्ट।